कालेबुङका विधायक रोदेन सादा लेप्चाले हिज आफूले कालेबुङका निम्ति एउटा छुट्टै जिल्ला परिषद गठन गरिनुपर्ने बयान दिएका थिए। उनले उक्त बयान दिएपछि विपक्षी दलका नेताहरूले विधायकको उक्त बयानको विरोध पनि गरिएको देखिन्छ। तथापि आज पुनः विधायक लेप्चाले आफूले दिएको बयानमाथि अडिक रहँदै कालेबुङ अब अलग जिल्ला भएको नाताले जिल्ला परिषद गठन हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो बयान कदाचित पनि गलत नरहेको दावी गरेका छन्। उनले आफू कालेबुङको विधायक भएको नाताले उनको जिम्मेवारी भनेको कालेबुङ जिल्ला यहाँको मानिसहरूको विकास र उन्नतिका निम्ति कार्य गर्नु हो, तसर्थ आफूले कालेबुङको भलाई र उन्नतिका निम्ति जिल्ला परिषदको माग उठाएको हुँ। तथापि उनले हिजको बयानमा कालेबुङ जिल्ला परिषदको मागबारे बयान दिए पनि यसको सहमति अनि असहमतिका निम्ति कालेबुङे जनताहरूको इच्छामाथि छोडेका थिए। तर आज उक्त उनले दिएको बयान अनि उठाएको जिल्ला परिषदको मागमाथि कालेबुङे जनताहरूले समर्थन जनाइरहेको बताए। विधायक लेप्चाले सम्भवत अर्को महिना मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको उत्तर बंगाल अनि पहाड़ भ्रमणको अवधि उक्त माग विषय मुख्यमन्त्रीलाई अवगत गराइने पनि बताएका छन्। रोदन जी, आपने यस्टरडे कुछ बात रखा कालिम्पोङ पत्रकार सम्मेलन में व पत्रकार समूह को आपने कुछ संबोधन किया है। कालिम्पोङ जिला को जिला परिषद की मांग की आपने, थ्री टायर पंचायत की। देखिए, 2000 साल के बाद करीबन पंचायत चुनाव हिल्स में नहीं हो रहा है। अब किस लिए ये चीज़ डिमांड किया? कहें आप लोग को जो ओपिनियन है, अभी नया पार्टी बढ़ोतरी हो रहा है, उनकी रोकथाम के लिए? देखिए, पंचायत में चुनाव 2001-2002 साल के बाद नहीं हुआ है, मतलब 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है कि पहाड़ में पंचायत सिस्टम में कोई अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। और दूसरा चीज़ है, मैंने जितना भी मेरा जो कैंपेनिंग था ड्यूरिंग माई इलेक्शन, मैंने बार बार कही है कि पंचायत को रीइस्टैब्लिश करना होगा, पंचायत सिस्टम को लागू करना होगा, क्योंकि मुझे तब मालूम हुआ था कि कालिम्पोङ सब डिविजन दार्जिलिंग का पार्ट जब तक था, कालिम्पोङ को सेपरेट पोलिटिकल स्टेटस देने में थोड़ा बहुत सारा एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ बैरियर था। लेकिन जब दार्जिलिंग का पार्ट होते हुए और जीटीए का पार्ट होते हुए कालिम्पोङ को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया, तब से एक तो कालिम्पोङ का राजनीतिक या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है कि कालिम्पोङ को भी अलग से एक ठो पॉलिटिकल सेटअप बने, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बन चुका है और बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या तो पॉलिटिकल कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कालिम्पोङ चल रहा है। तो उस हिसाब से जो जीटीए दिया गया 2007 को बोले या डीजीएसी 1988 को बोले, जो भी बोले, ये एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ जिला परिषद है। ये कोई जिला परिषद से अलग वाला मैटर नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया है लेकिन जिला परिषद ही है जिसको तोड़ मरोड़ करके दिया गया था। लेकिन अगर दार्जिलिंग को अलग से तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कुछ न कुछ मिला हुआ है, अब कालिम्पोङ 2017 में अलग हो चुका है, तो इसीलिए कालिम्पोङ का राइट बनता है, क्योंकि हमने इसीलिए इस वक्त ये मैटर को रखा, क्योंकि अब पहाड़ में पहाड़ सेंट्रिक अभी कोई बिगर इश्यू नहीं है। गोर्खाल्यान्ड का मांग नहीं है, अभी स्थगित है और बहुत सारे इश्यूज नहीं है और डिफरेंट इश्यूज है। कोई सिक्स शेड्यूल के ऊपर बोल रहा है, कोई 11 जात गोष्ठी के बारे में बोल रहा है, कोई पीपीएस के बारे में बोल रहा है, अलग अलग है। इसीलिए कालिम्पोङ वासियों के लिए एक ठो अलग से डिमांड रखना ये समय सठीक का, इसीलिए मैंने उस हिसाब से रखा। आपने कहा जो गोर्खाल्यान्ड का मांग अभी कहीं ना कहीं खो गया, कि आप लोग को पार्टी गोर्खाल्यान्ड का स्टैंड का ऑडिट है कि आप नया पार्टी खोलने का सिद्धांत में? गोर्खाल्यान्ड का समस्या और गोर्खाल्यान्ड का जो डिमांड है, हमने मरा नहीं, हो गया नहीं, ऐसा नहीं बोला। गोर्खाल्यान्ड का जो देश काल परिस्थिति जो है, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है गोर्खाल्यान्ड, ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है। तो सेंट्रल को हम लास्ट 15 ईयर्स से देख रहे हैं, मोर देन 10 ईयर्स से देख रहे हैं, जब पहले दूसरा का सरकार था और अभी मोदी जी का कंटिन्यूसली 2 टेन्योर बीतने वाला है। अब 2024 में नया इलेक्शन होने वाला है, तो हम लोग ने तो वोट दिया गोर्खाल्यान्ड पाने के लिए, लाने के लिए दिया ना, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो जो कमिटमेंट उन लोग ने किया था बिफोर वोटिंग, बिफोर इलेक्शन के टाइम में, अभी तक कुछ नहीं दिया गया, तो उन लोग से अब फर्दर क्यों मांगे? उस हिसाब से देश काल परिस्थिति गोरखाओं के हित में नहीं है,
तो टाइम पास क्यों करें हम लोग? तो इस वक्त जिस काल परिस्थिति हम लोग को ये डिमांड रखना परमिसेबल नहीं है। इस वक्त जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो बनाए, वो बर्खा लिए भी फायदा है। और स्पेशली मैं कालिम्पोंग का विधायक हूँ, कालिम्पोंग के लिए एडवोकेसी करना और कालिम्पोंग का फुल फ्लेजेड एक पोलिटिकल स्टेटस मतलब प्रदान करना, ये मेरा जिम्मेदारी भी बनता है, इसीलिए मैंने ये रखा। और पार्टी दूसरा खोलने का कोई नहीं है, क्योंकि हमारा पार्टी अनित जी जो प्रेसिडेंट है, अमर दा जो सचिव है, उन लोग ने भी ये मुद्दा को सपोर्ट कर चुका है। तो हमारा एक पार्टी का मुद्दा भी बन चुका है कालिम्पोंग सेपरेशन के लिए। और स्पेशली मैं जो चाह रहा हूँ कालिम्पोंग का जो पॉलिटिकल स्टेटस जो अपना राइट है, जो पॉलिटिकल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो दे ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। रुदन जी देखिए, आपने जो कहा उस कहना में कुछ फाक फकोड़ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट के साथ आप लोग को अलायंस बहुत सही है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इस वक्त आपको डिमांड मान लेंगे? अरे देखिए, सबसे पहले ये बात समझिए, पहले डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट करना खर्चालू निर्णय था 2017 में। स्केलेटन तो दे चुका है, सड़क है एक ठो, स्केलेटन बन चुका है, उसे ऊपर में सिर्फ कारपेटिंग करने वाला चीज है, क्योंकि इसके लिए अलग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि डीएम ऑलरेडी है, बीडीओ ऑलरेडी है, ग्राम पंचायत ऑलरेडी है, उसमें सैलरी भरना नहीं है, सिर्फ उसी के ऊपर एक ठो पॉलिटिकल सिस्टम को बिठा देना है। तो डिस्ट्रिक्ट जब सेपरेशन हो रहा था, सरकार को इकोनॉमिकल अभी जो सिस्टम है उसी के ऊपर में एक ठो सिस्टम को, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को बिठा देना ही तो बात है। इसीलिए जहाँ जितना डिस्ट्रिक्ट अलग करने में कोई क्राइटेरिया नहीं देखा गया, देखिए खरसांग का भी 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, दार्जिलिंग का भी उतना ही है, कालिम्पोंग एक ठो सब डिविजन को अलग से दीदी ने विल पावर में अलग से डिस्ट्रिक्ट दे चुकी है। तो डिस्ट्रिक्ट दे चुके हैं, उसके ऊपर में पॉलिटिकल सिस्टम को बिठा देना ही है, तो खर्चा क्या है? जितना डिस्ट्रिक्ट देना असंभव देखता था उससे ज़्यादा ये संभव है, उसके ऊपर में बिठा देना है। मुझे लगता है ये मतलब बंगाल इसकी तरह आकर्षित होगा और इसके ऊपर भी सुनाई करेगा और पूरा पूरा समय के मुताबिक जल्द से जल्द ये देगा, मुझे विश्वास है। ये इशू लेकर आप सीएम के साथ मुलाकात कब करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का पंचायत सचिव के साथ कब मिलकर और ये चीज़ जो है ना प्रपोजल कब अपने सबमिट करेंगे? जहाँ तक सुनने को मिल रहा है दीदी इसी महीने के भीतर में शायद दार्जिलिंग आ रही है। मैं कोशिश करूँगा सीएम से मिलने के लिए, कोशिश करूँगा सीएम के सामने में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूअल मीटिंग हो उसमें भी मैं रखने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक है स्टेट ये सकारात्मकता के साथ में लेगा और कालिम्पोंग के लिए बेहतर से बेहतर फायदा मतलब निर्णय लेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। न्यूली फॉर्मेड हमरो पार्टी का प्रेसिडेंट अजय जी आज कालिम्पोंग में कहा जो रुदन जी ने अपना राजनीतिक चाल खेलने के लिए कह रहा है और उनका गोरखालैंड का जो डिमांड है उनका अभी गोरखालैंड का आवाज़ उनका मुख से निकल रहा है, लेकिन रुदन जी लोग को यहाँ पे अपना स्वार्थ के लिए कर रहा है कि जनता के स्वार्थ के लिए कर रहा है ये डिमांड, इस जगह पे आपका क्या कहना है? कालिम्पोंग का जनता डिसाइड करेगा, मैंने पब्लिक डोमेन में ये मेरे प्रपोजल रख दिया हूँ। कल मैंने ऐसा नहीं किया, ये मुद्दा लेके मैं आगे बढ़ूंगा। कालिम्पोंग का जनता ये उठाने के लिए कालिम्पोंग के फेवर में ये सठीक है, जनता अगर मुझे बोलेगा तब तो इस मुद्दा को मैं ऊपर तक ले जाऊंगा। जिस हिसाब से कालिम्पोंग एक तो सीनियर बन चुका है, जनता ने हम लोग को सपोर्ट कर रहा है और मुझे जहाँ तक लगता है मैं कालिम्पोंग का विधायक हूँ, कालिम्पोंग के पक्ष में मेरा सोचना ड्यूटी डिलीवर करना मेरा जिम्मेदारी बनता है। अजय जी क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, जो मैंने उनका बहुत सारा इंटरव्यू भी आज देखा, उसने जो बोल रहा है वो उसका ऊपर में उतना अध्ययन उसका नहीं है जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो अलग रूप से देख रहा है, क्योंकि घमंड करना चाहिए, क्योंकि अब जो है बाद में जो भी हम लोग शायद 20 वर्ष में, शायद 15 वर्ष में या 30 वर्ष में फिर भी शायद कोई ना कोई आंदोलन पहाड़ में होगा। तो जो पहले एक GTA को एक ठो इधर उधर भागछोप करके अलग तरमोड़ करके सिस्टम दिया जाता था, अब जो भी देगा दो व्यवस्था के ऊपर अलग चीज हो सकता है। देखिए उस हिसाब से उस ढंग से भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो छोड़ दीजिए, भविष्य का बात है। प्रेजेंट में पॉलिटिकली कालिम्पोंग को भी क्यों ना एक डिस्ट्रिक्ट स्तर का अलग से क्राउन ना हो, दार्जिलिंग में डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट का हिसाब से उन लोग को क्राउन ऑलरेडी मिल चुका है। कालिम्पोंग का एक राइट बनता है ना, कालिम्पोंग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग चेयर रहे ताकि
जो अब ब्यूरोक्रेसी चला रहा है उसके ऊपर में पॉलिटिकल भी सेटअप बने, ये मेरा अपना राय है, मैं यही रख रहा हूँ।